रात का वक्त है और ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज फ्लाइट 092 तेजी से नीचे गिर रही है। प्लेन के अंदर तेज वाइब्रेशन, शोर और जलते फ्यूल की स्मेल फैल चुकी है। पूरे कैबिन में पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी मची हुई है। कुछ लोग अपनी सीट्स को कस के पकड़ रहे हैं तो कुछ भगवान से दुआ कर रहे हैं कि ये खौफनाक पल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कॉकपिट में कैप्टन केविन हंट और फर्स्ट ऑफिसर डेविड मैक्लेलैंड अपनी पूरी सूझबूझ से आखिरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पसीने से तर कैप्टन हंट अपने साथी से कहते हैं, हमें किसी भी तरह इसे कंट्रोल में लाना होगा। मगर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चीजें उनके हाथ से फिसलती जा रही है। इतने में ही अचानक एक जबरदस्त झटका लगता है और सब कुछ बदल जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या फ्लाइट 092 अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या विमान में सवार लोग बच पाएंगे या फिर ये रात किसी डरावने हादसे की वजह बनेगी? आठ जनवरी 1989। आज का दिन ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज फ्लाइट 092 के लिए बस एक आम उड़ान जैसा लग रहा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बोइंग 737-400 प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा है। इस फ्लाइट का डेस्टिनेशन नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी एक घंटे की छोटी सी उड़ान जिसमें 126 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर सवार हैं। सभी को लग रहा है कि एक आरामदायक और नॉर्मल सफर होगा, मगर कुछ ही देर में ये प्लेन एक ऐसे खतरे में पड़ने वाला है जिसकी किसी को भनक तक नहीं है। इस फ्लाइट के कैप्टन हैं केविन हंट, जो ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक माने जाते हैं। हंट ने अपने फ्लाइंग करियर की शुरुआत 1966 में की थी और अब तक 13,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने बोइंग के पुराने मॉडल्स लंबे समय तक उड़ाए हैं, लेकिन इस नए बोइंग 737-400 पर इनका एक्सपीरियंस कम ही है। इनके साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर डेविड मैक्लेलैंड भी मौजूद हैं, जिनके पास 3,000 घंटे का टोटल फ्लाइट एक्सपीरियंस है, लेकिन बोइंग 737-400 पर इनका एक्सपीरियंस सिर्फ 200 घंटे का है। बोइंग 737-400 जो इस फ्लाइट में इस्तेमाल हो रहा है, बोइंग का नया मॉडल है। इसमें पुराने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की जगह नए CRT डिस्प्लेज लगे हैं, जो पायलट्स को इंफॉर्मेशन नए तरीके से दिखाते हैं। हालांकि इस नए मॉडल के इंस्ट्रूमेंट्स में बदलाव के बावजूद बोइंग ने पायलट्स के लिए कोई स्पेशल सिमुलेटर ट्रेनिंग नहीं रखी थी, बल्कि सिर्फ कुछ घंटों की क्लासरूम ट्रेनिंग देकर उन्हें सर्टिफाइड कर दिया गया था। अब ट्रेनिंग की इस कमी का असर क्या होगा, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं है। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स में से कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, जो लंदन में अपनी मीटिंग्स खत्म करके वापस बेलफास्ट जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज हैं जो छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे हैं और कुछ लोग टूरिज्म के लिए सफर कर रहे हैं। सभी पैसेंजर्स आराम से बैठ चुके हैं, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ बातचीत में लगे हैं। केबिन क्रू सभी सेफ्टी चेक्स पूरे कर चुका है और सबको सीट बेल्ट लगाने के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। फॉर्मेलिटीज होते ही ये नया और चमचमाता बोइंग 737-400 रनवे पर टैक्सी करता है। इस समय सब कुछ नॉर्मल और रूटीन लग रहा है। शाम का वक्त है और फ्लाइट 092 रनवे पर अपनी पोजीशन ले चुकी है। फर्स्ट ऑफिसर डेविड मैक्लेलैंड धीरे धीरे थ्रॉटल बढ़ाते हैं और बोइंग 737-400 अपने इंजन की गड़गड़ाहट के साथ रनवे पर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में शाम 7:52 पर प्लेन हवा में उठता है।
और पैसेंजर्स खिड़कियों से लंदन की चमचमाती रोशनी देखते हुए सफर का मजा लेते हैं। टेक ऑफ स्मूथ है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। कैप्टन हंट और फर्स्ट ऑफिसर मैकलैलेंट अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर बनाए हुए हैं और ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं ताकि प्लेन आसानी से क्रूज ऑल्टीट्यूड तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही प्लेन 28,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, अचानक कॉकपिट में एक अजीब हलचल होने लगती है। प्लेन तेजी से वाइब्रेट करने लगता है और पायलट्स को जलते हुए रबर और मेटल की एक तेज स्मेल आती है। इसी दौरान कैबिन में बैठे पैसेंजर्स को भी हल्की गड़गड़ाहट और धुएं की स्मेल महसूस होने लगती है। एक एक करके ओवरहेड बिन्स खुलने लगते हैं और ड्रिंक्स व सामान इधर उधर गिरने लगता है। बाहर इंजन से हल्की ऑरेंज फ्लैशेस निकलने लगती है जिन्हें देखकर पैसेंजर्स बुरी तरह घबरा जाते हैं। कैप्टन हंट तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं और फर्स्ट ऑफिसर मैकलैलेंट को इंजन की हालत का जायजा लेने को कहते हैं। इसी बीच कैप्टन ऑटो पायलट को बंद करके प्लेन को मैन्युअली कंट्रोल करने का फैसला लेते हैं, ये सोचते हुए कि अब उन्हें हालात को खुद अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। कैप्टन हंट का ध्यान इंजन से आ रही स्मेल पर है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम राइट इंजन में है। दरअसल इस नए बोइंग 737-400 मॉडल में कैबिन एयर दोनों इंजन से आती है, लेकिन हंट को पुराने मॉडल्स की तरह लग रहा है कि स्मेल राइट इंजन से ही आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर मैकलैलेंट भी इंस्ट्रूमेंट्स पर तेज वाइब्रेशंस की रीडिंग देखते हैं जो उन्हें कुछ पल के लिए कंफ्यूज कर देती है। इस टेंशन और पैनिक की सिचुएशन में फर्स्ट ऑफिसर मैकलैलेंट थोड़ा हिचकिचाते हुए कंफर्म करते हैं, शायद राइट इंजन में ही प्रॉब्लम है। कैप्टन हंट को भी यही सही लगता है और वे तुरंत राइट इंजन को शट डाउन करने का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं ताकि किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स जो ये सब महसूस कर रहे हैं, बाहर लेफ्ट इंजन से निकलती चिंगारियों और धुआं साफ साफ देख सकते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि कॉकपिट में पायलट्स ने गलती से सही इंजन को बंद कर दिया है और अब उनकी जान खतरे में है। फ्लाइट 092 अब एक खतरनाक हालात का सामना कर रही है और कॉकपिट में टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। प्लेन इस वक्त सिर्फ एक इंजन पे चल रहा है और बदकिस्मती से यही वो इंजन है जो असल में खराब है। इस बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्लियरेंस मिलते ही हंट और मैकलैलेंट प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराने के लिए अपने सबसे करीबी ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देते हैं। हंट इसे बस एक सिंपल डाइवर्जन मान रहे हैं, ये सोचकर कि उन्होंने प्रॉब्लम का हल निकाल लिया है। लेकिन जैसे ही प्लेन ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्जन लेता है, कैप्टन महसूस करते हैं कि कंट्रोल में हल्का इम्बैलेंस है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं ये सोचते हुए कि एक इंजन बंद करने के बाद ये नॉर्मल है। जबकि इस समय लेफ्ट इंजन की कंडीशन बिगड़ती जा रही है और ये क्रिटिकल हो रहा है। फ्यूल फ्लो रीडिंग्स गड़बड़ हैं और एग्जॉस्ट टेम्परेचर काफी हाई है, लेकिन पायलट्स ने अब तक महसूस नहीं किया है कि उन्होंने गलत इंजन शटडाउन कर दिया है। अब क्योंकि लेफ्ट इंजन को लो पावर पर रखने की वजह से वाइब्रेशन टेम्परेरीली कम हो गई है, ये उन्हें मिसलीडिंग कंफर्मेशन दे रहा है कि राइट इंजन को बंद करने का उनका डिसीजन सही था। इस वक्त फ्लाइट 092 के अंदर का माहौल डर और चिंता से भर गया है। पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है और कैबिन क्रू सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के लिए तैयार है। कैबिन क्रू को बस यही लग रहा है कि कोई मामूली तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसेंजर्स के मन में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लेफ्ट इंजन की तरफ बार बार देखने वाले फ्लेम्स और धुएं के बावजूद फ्लाइट क्रू ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि एक टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा रहा है
प्लेन अब ईस्ट मिडलैंड्स की तरफ अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। यहां से हर सेकंड कीमती है। अगर पायलट समय रहते अपनी गलती को पहचान नहीं पाए तो फ्लाइट 092 का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। एविएशन की फील्ड में सुरक्षा को लेकर की गई छोटी सी चूक भी एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर की सिक्योरिटी में जरा सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। अब आपको अपनी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उसके लिए मैं हमेशा अपने सभी सब्सक्राइबर्स को D3D सिक्योरिटी सिस्टम एंड CCTV कैमरा लगाने की सलाह देता हूँ। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि D3D सिक्योरिटी सिस्टम अपने सेंसर्स और इंफ्रारेड रेज की मदद से आपके घर में एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाते हैं कि कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी आपकी इजाजत के बिना आपके घर में पर नहीं मार सकता। ये एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है जो 24 घंटे आपके और आपके परिवार की सुरक्षा में तैनात रहता है और आपको देता है सुकून व चैन की नींद। सबसे अच्छी बात ये कि सिक्योरिटी सिस्टम को आप सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही आसानी से अपने घर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए घर में कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं। और सिर्फ आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक के साथ स्पेशल कूपन कोड भी डाल दिया है, इसलिए एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए अब वापस अपनी स्टोरी पर आते हैं। पायलट्स अब प्लेन को डिसेंट के लिए तैयार करते हैं इस उम्मीद में कि वो जल्द से जल्द जमीन पर सेफली लैंड कर लेंगे। ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट अब ज्यादा दूर नहीं है और उनकी ये प्लानिंग सिर्फ इस चीज पर टिकी है कि लेफ्ट इंजन आखिरी पलों तक काम करता रहे। पायलट्स जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड कम कर रहे हैं, कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशंस बढ़ने की वार्निंग दे रहे हैं। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स और क्रू भी प्लेन में हो रही इस तेज शेकिंग को महसूस कर रहे हैं। जैसे ही प्लेन डिसेंट के फाइनल फेज में आता है, कैप्टन हंट थ्रस्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद में कि इंजन और पावर दे ताकि प्लेन रनवे तक पहुंच सके। लेकिन लेफ्ट इंजन जो पहले से ही बुरी हालत में है, इस इंक्रीज को सस्टेन नहीं कर पाता और पूरी तरह से बंद हो जाता है और कॉकपिट में एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज गूंज उठती है, जिसके बाद प्लेन अचानक बेहद तेजी से नीचे गिरने लगता है। दोनों पायलट्स को महसूस होता है कि अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं। उनके साथ अब कोई फंक्शनल इंजन नहीं बचा है, जबकि राइट साइड वाला इंजन जिसे उन्होंने खराब मानकर बंद किया हुआ है वो एकदम सही कंडीशन में है। लेफ्ट इंजन के फेल होते ही कैप्टन हंट तुरंत एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट करते हैं, प्रिपेयर फॉर क्रैश लैंडिंग। इतना सुनते ही पैसेंजर्स के बीच एक हलचल मच जाती है। कैबिन क्रू सभी को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन हालात पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। फ्लाइट 092 अब बिना किसी इंजन पावर के पूरी तरह बेकाबू होकर नीचे गिर रहा है। पायलट्स को रनवे दिखाई दे रहा है जो बस कुछ मील दूर है, लेकिन इतनी तेजी से गिरते हुए वहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी बेहद कम लग रही है। हंट और मैकलेलैंड दोनों हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन को किसी तरह रनवे तक ग्लाइड करवा सकें, क्योंकि अब ग्रेविटी ही उनका एकमात्र सहारा है। आखिरकार जैसे ही प्लेन रनवे के करीब आता है, पायलट्स लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय करते हैं ताकि प्लेन के गिरते डिसेंट को थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। इस वक्त प्लेन का हर हिस्सा जोरदार वाइब्रेशंस कर रहा है और कॉकपिट में वार्निंग लाइट्स बार बार फ्लैश हो रही हैं। कैप्टन हंट और फर्स्ट ऑफिसर मैकलेलैंड के सामने अब सिर्फ एक ही गोल है, प्लेन को सेफली जमीन पर उतारना। मगर प्लेन में रिक्वायर्ड पावर की कमी है। रनवे उनके सामने है मगर इसे रीच करने के लिए उनके पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। इसी बीच पायलट्स डेस्परेशन में नोज को थोड़ा ऊपर खींचते हैं ताकि डिसेंट थोड़ा स्लो हो सके, लेकिन इस मैन्यूवर का उल्टा असर होता है।
क्योंकि ऐसा करने की वजह से ग्लाइड एंगल और भी स्टीप हो जाता है और प्लेन बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है। ₹900 की ऊंचाई पर फ्लाइट 092 अब रनवे तक पहुंचने से पहले ही ग्राउंड इंपैक्ट की तरफ बढ़ रही है। पैसेंजर्स घबराहट में अपनी सीट्स को कसकर पकड़े हुए हैं, कुछ ने आंखें बंद कर ली है जबकि कुछ ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। केबिन क्रू पैनिक कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर का माहौल किसी भयानक नाइटमेयर जैसा है। प्लेन जैसे ही ग्राउंड के और करीब आता है तभी कैप्टन हंट एक आखिरी डेस्परेट कॉल करते हैं, ब्रेस फॉर इंपैक्ट। ये सुनते ही कैबिन में एक सन्नाटा सा छा जाता है। सभी को पता है कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में प्लेन रनवे को मिस करते हुए एक जोरदार इंपैक्ट के साथ हाईवे क्रॉस करके जंगल के एक हिस्से में क्रैश हो जाता है। इंपैक्ट इतना जोरदार होता है कि प्लेन तीन हिस्सों में टूट जाता है। इस वक्त प्लेन के बाहर का नजारा किसी हॉरर मूवी जैसा है। फ्लेम्स हवा में उठ रही हैं, स्मोक चारों तरफ फैला है और तेज आवाजें हर तरफ गूंज रही हैं। रेस्क्यू टीम और लोकल इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत बचाव के लिए निकलती हैं, लेकिन क्रैश साइट तक पहुंचना आसान नहीं है। हाईवे पर मौजूद लोगों ने भी इस भयानक हादसे को देखा है और कुछ लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच कैबिन के अंदर पैसेंजर्स अपनी सेफ्टी बेल्ट्स खोलते हैं और इवैक्यूएशन डोर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन स्मोक और आग ने सिचुएशन को और भी खतरनाक बना दिया है। प्लेन के ज्यादातर डोर्स जाम हो चुके हैं जिससे इवैक्यूएशन में रुकावट आ रही है। आखिरकार कैबिन क्रू की कोशिशों से इवैक्यूएशन शुरू होता है और पैसेंजर्स तेजी से बाहर निकलने लगते हैं। इस भयानक हादसे में कुल 47 पैसेंजर्स की मौत मौके पर ही हो जाती है जबकि 66 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स गंभीर रूप से घायल होते हैं। कैप्टन हंट और फर्स्ट ऑफिसर मैकलेलैंड भी बुरी तरह से घायल होते हैं लेकिन उनकी जान बच जाती है। भले ही इस हादसे में जान माल दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ लेकिन जितने लोग बच गए वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। हालात पर जैसे ही काबू पाया जाता है अथॉरिटीज इस भयानक क्रैश की जांच शुरू कर देती हैं। इस पहलू पर डिटेल में जांच की जाती है ताकि हादसे के असली रीजंस का पता लगाया जा सके और फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो। जांच में सबसे पहले ये सामने आता है कि लेफ्ट इंजन में एक डिजाइन फ्लॉ था जिससे हाई ऑल्टीट्यूड्स पर तेज पावर सेटिंग्स में उड़ान के दौरान एक्सेसिव वाइब्रेशन होती थी। इस वाइब्रेशन ने इंजन के फैन ब्लेड्स पर मेटल फटीग पैदा कर दी जिससे एक ब्लेड टूट गया। इससे इंजन में तेज वाइब्रेशन और फ्लेम्स निकलने लगी। इस इंजन फेलियर के चलते एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया जिसमें कॉकपिट वाइब्रेशन सिग्नल और बर्निंग स्मेल से भर गया और पायलट्स ने गलती से रॉन्ग इंजन को बंद कर दिया। दरअसल जब लेफ्ट इंजन फेल हो रहा था तब पायलट्स ने गलती से राइट इंजन को शट डाउन कर दिया। इस एक गलत डिसीजन ने प्लेन के बैलेंस को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। जांच में यह भी सामने आया कि ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज की ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कुछ कमियां थी। इसके अलावा बोइंग 737-400 के अपडेटेड सिस्टम्स को लेकर पायलट्स को पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली थी जिसके चलते कैबिन एयर सिस्टम और वाइब्रेशन इंडिकेटर्स को सही से समझने में गलती हो गई। इन सभी गलतियों और कमियों ने मिलाकर इस क्रैश को और भी खतरनाक बना दिया और ये साफ हो गया कि एविएशन सेफ्टी में सुधार की सख्त जरूरत है। इस हादसे के बाद एयरलाइंस ने पायलट के लिए एडवांस सिमुलेटर ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया ताकि वो एमरजेंसी सिचुएशंस में बेहतर डिसीजंस ले सकें। इस ट्रेजेडी के बाद सेफ्टी और ट्रेनिंग को एविएशन इंडस्ट्री में सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।